Hello student, my name is Rajkumar Sharma. I am BTech from IIT Dhanbad. इस समय आपको KVPY 2019 का मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम मेरे पास अवेलेबल है, बट इसके ऑप्शंस नहीं है, बट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशंस हैं, तो उसी पे बेस्ड होकर हम सॉल्व करेंगे. अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर है अगर मेरे पास, तो आंसर सही आएंगे, नहीं तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो. जैसे ये 12th का पेपर है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूँ. इसमें कह रहा है कि लेट द मास ऑफ फोटॉन बी एम बराबर एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, देन फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन द फोटॉन फॉल थ्रू 1 किलोमीटर. कह रहा है कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा फ्रीक्वेंसी में जब फोटॉन 1 किलोमीटर डिस्टेंस नीचे को गिरेगा. तो चलिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन उसने ये कहा था कि अगर किसी पार्टिकल का मास m है तो उसकी एनर्जी एम सी स्क्वायर बराबर होगी, और उस पार्टिकल से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी होगी फोटॉन की वो h न्यू को गवर्न करेगा. तो देखिए, सपोज करिए मैंने एक रेफरेंस लाइन बना दिया, रेफरेंस लाइन, और ये हाइट h है, ये हाइट h है. एक फोटॉन जिसका मास सपोज करिए इस यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है, ईटा म्यू नॉट है, और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी मी हो जाती है. तो हमें पता करना है कि फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा. तो चलिए लगा दें एनर्जी कंजर्वेशन. तो यहाँ पे जो पार्टिकल की एनर्जी होगी, पार्टिकल की एनर्जी वो कितना लिखेंगे आप, एच इंटू ई नॉट लिखेंगे, और जब पार्टिकल को आप यहाँ से रिलीज करेंगे तो इस पार्टिकल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और कितना डिक्रीज करेगी, एम जी एच, और यही जो पोटेंशियल डिक्रीज करेगी वो कहाँ चली जाएगी, इस फोटॉन की एनर्जी को बढ़ा देगी. तो मैं कहूँ कि इस फोटॉन की फाइनल एनर्जी कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे, इनिशियल एनर्जी एच म्यू नॉट एन प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी एम जी इंटू एच, इतना लिख सकते हैं. जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया है तो इसकी जो एनर्जी आई है उसकी वैल्यू इतनी आ गई, क्योंकि एनर्जी और यहाँ की फ्रिक्वेंसी ईटा है, तो आप इसकी टोटल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, एच इंटू ईटा. एक और चीज़, चूँकि मास एम इंटू सी स्क्वायर एच न्यू के बराबर है, तो मैं यहाँ से चाहूँ तो एम की वैल्यू बता सकता हूँ आपको, बनेगा एच ईटा डिवाइड बाई सी स्क्वायर. आप इसकी वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए, बन क्या गया, एच ईटा नॉट प्लस एच ईटा सी स्क्वायर जी एच इज इक्वल टू एच इंटू ईटा. एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको आप इधर भेज दीजिए, ठीक है, बनेगा ईटा नॉट इज इक्वल टू ईटा कॉमन आएगा इसमें से, ये बनेगा 1 - GH/C² बन गया. अब यहाँ पे अगर मैं पूछूँ कि बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी ईटा नॉट इज ईटा नॉट डिवाइड बाई 1 - GH/C², ठीक है. अब मैं इसको ऊपर भेज के बायनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूँ, इस तरीके से 1 - GH/C² - 1. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ईटा नॉट 1 + GH/C². अब इस क्वांटिटी को इधर भेज दीजिए, तो बन जाएगा क्या, ईटा अपान ईटा नॉट इज इक्वल टू 1 + GH/C². अब इस 1 को इधर भेज दीजिए, तो बन जाएगा क्या, -1 = 1. तो फ्रैक्शनल चेंज तो यही हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई, ईटा अपान ईटा नॉट अपान ईटा नॉट. तो दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज एफ जी एच अपान सी स्क्वायर. तो हमें पूछा गया था कि फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज एफ एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस. तो आवर आंसर इज एफ इज इक्वल टू जी एच अपान सी स्क्वायर. अब जी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 10, और एच उन्होंने दिया था 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर प्लेस करिए, 10^3 डिवाइड बाई सी कितना है, 3 × 10^8² तो दिस वैल्यू इज 1/3 × 16 = 4, तो 10^-12, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज 4 और 16, ठीक है, दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज वेयर फोटॉन इज फॉल थ्रू हाइट ऑफ एच. इसको हम लोग ग्रेविटेशनल रेट शिफ्ट भी बोलते हैं. इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया
इससे फ्रैक्शनल चेंज कितने की आएगी। ओके तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका सेकेंड क्वेश्चन। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ गर्ल इज सिटिंग इन अ ट्रेन मूविंग विद द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, सी देन ड्रॉप एन एप्पल फ्रॉम द विंडो ऑफ द ट्रेन, द पाथ ऑफ द एप्पल एज सीन बाय द गर्ल इज। देखिए सपोज की ट्रेन है और इस ट्रेन का एक्सेलरेशन दिया गया ए के बराबर है। अगर आप यहाँ पे बैठे हो और आप यहाँ से एक एप्पल को ड्रॉप कर रहे हो तो हमें जानना है कि इसका पाथ कैसे दिखाई दे। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, चूँकि आप इस पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है तो जिधर रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल उधर ही भागना शुरू करेगा, क्योंकि जब वेलोसिटी है ही नहीं है तो वेलोसिटी का चेंज किधर आता है, जिधर एक्सेलरेशन होता है। तो अगर इस ऑब्जर्वर को, अगर इस पार्टिकल को देखना हो तो वेलोसिटी जीरो कहेगा और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस ऑब्जर्वर के लिए जी डाउनवर्ड दिखेगा और इस ट्रेन का एक्सेलरेशन रिवर्स होकर ऐसे मिलेगा। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे हो गया, ऐसे हो गया। इसका तो इस ऑब्जर्वर को इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ट्रेन की फ्रेम में कैसे आएगा, इस तरीके से दिखेगा, सीधे रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ से आप पार्टिकल को आप रिलीज करेंगे तो किधर भागेगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में भागेगा। तो जब इधर भागेगा तो कुछ समय बाद इसके पास इधर वेलोसिटी आ जाएगी और एक्सेलरेशन भी इधर ही है, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमेशा इधर ही है, दोनों डायरेक्शन सेम है। तो मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। इसका तो मैं कह सकता हूँ कि इस ट्रेन के फ्रेम में जो पर्सन बैठा हुआ है जब एक पार्टिकल रिलीज करेगा तो उसका एक्सेलरेशन कैसा, उसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो पाथ फॉलोड बाई पार्टिकल एज सीन बाई गर्ल इज स्ट्रेट लाइन। ओके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा हूँ कि मैन स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन मूविंग एट 2 meters per second, कंसिडर द मैन फीट फिक्स टू द ग्राउंड एंड कंसिडर द मैन टू बी रिजिड बॉडी, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मैन इफ हिज हाइट इज 1.5 meters। ठीक है तो चलिए करो, डेटा जितना है उतना मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करिए ये ग्राउंड्स है, जब एक पर्सन इस तरीके से अगर मैं ले लूँ तो जब ट्रेन आगे की ओर भाग रही है, अगर मैं ट्रेन में बैठा हूँ ट्रेन आगे की ओर भाग रही है तो मेरे हर पॉइंट की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होगी और ट्रेन के बराबर होगी। इसका मतलब कि मेरी जो वेलोसिटी आएगी एग्जैक्टली सेम होगी और किसके बराबर होगी, 2 meters per second के बराबर होगी, 2 meters per second बराबर होगी। लेकिन जैसे ही ये फिट इस ग्राउंड पर पड़ेगा तो यहाँ पर स्लिपिंग बंद हो जाएगी, कि जैसा पैर रखते हैं स्लिपिंग बंद होती है तो आप ऐसे गिरते हैं आगे की ओर, यहाँ पे स्लिपिंग बंद हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे जो भी फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो पीछे की ओर काम करेगा, नॉर्मल ब्रेक से ऊपर की ओर काम करेगा। अच्छा कि इस पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं हो रहा तो इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन उसी से पास कर रहा है, नॉर्मल ब्रेकिंग उसी से पास कर रहा है। चूँकि टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट जीरो है तो इस सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। हम लोग इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। तो फीट रखने के जस्ट पहले का कंडीशन और फीट रखने के जस्ट बाद जब प्योर रोलिंग शुरू होगी इस पॉइंट के बाद तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लें। तो इस पॉइंट के बाद हम एंगुलर मोमेंटम में जैसे लगाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा, इस पूरे रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम का टर्म यूज़ करेंगे LCM प्लस एम आर परपेंडिकुलर BCM एंड LCM इज नथिंग बट ICM इंटू ओमेगा। तो इनिशियल मोमेंटम, चूंकि इनिशियल ओमेगा जीरो है, रोटेट नहीं कर रहा, सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा, तो इनिशियल एल कितना आएगा, एम आर परपेंडिकुलर सेंटर से दूरी। तो अगर इसकी हाइट एच है तो ये दूरी क्या होगी, एच बाई टू तो एम एच बाई टू इंटू बी सी एम सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी टू है तो टू प्लेस कर देंगे। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट। तो अगर रॉड से ट्रीट कर दूँ तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री इसके बाद एम एल स्क्वायर बाई थ्री और एल क्या है, एच। तो एम एच स्क्वायर बाई थ्री तो आई इंटू ओमेगा। तो एम से एम कट गया, एच से एच का टर्म कैंसिल आउट हो गया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया और ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 3/h। और क्वेश्चन में हाइट दिया गया है 1.5 meters तो 3/1.5 meters नाउ दिस वैल्यू इज 2 radians per second। तो दिस इज द आंसर, हमने थर्ड क्वेश्चन का आंसर बता दिया। बस जो अगला क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रिंग है, इस पे थीटा एंगल पे जो चार्ज डेंसिटी लैम्डा है वो गवर्न कर रहा है
क्यू डिवाइड बाई पाई आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको गौन कर चार्ज डेंसिटी। एक पार्टिकल को अगर इन्फिनिटी से ला के इस पे रखना है, क्या कह रहा है, फाइंड द बर्डन इन टेकिंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम सेंटर टू इन्फिनिटी। अगर इसको यहाँ से लेके इन्फिनिटी जाना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, या इन्फिनिटी से यहाँ पे लाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, अगर हमें एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज कैपिटल क्यू है उसको यहाँ से इन्फिनिटी से ला के यहाँ पे लाना है तो जो वर्क डन करना पड़ेगा, मिनिमम वर्क डन, मिनिमम वर्क डन दिस वन बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल से इन्फिनिटी का जीरो बताएंगे और यहाँ क्या बताएंगे, कैपिटल क्यू इंटू सेंटर का पोटेंशियल बी सी माइनस इन्फिनिटी की पोटेंशियल से जीरो। तो आंसर क्या आ गया, कैपिटल क्यू इंटू बी सी। अब हमारा टारगेट क्या है, सेंटर का पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो सेंटर का पोटेंशियल निकालना है, तो अब चूंकि चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है तो सेंटर का पोटेंशियल कुछ और नहीं आएगा, दिस वन इज, चूंकि जितना भी चार्ज पार्टिकल है सबका सेंटर से दूरी बराबर है, सेंटर से दूरी बराबर है। अगर हर चार्ज पार्टिकल का सेंटर से दूरी बराबर है और टोटल चार्ज सपोज करिए क्यू क्यू नॉट है तो सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू नॉट अपन आर या क्यू नॉट अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हर चार्ज पार्टिकल दूरी सेंटर से क्या सेम है, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू टोटल अपन आर, तो वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपन आर। अब टारगेट है क्यू नॉट निकालना, तो क्यू नॉट निकालना है तो इसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है। तो थीटा पे जाके हमने डी थीटा का एक स्ट्रिप सेलेक्ट किया और इस स्ट्रिप पे जो चार्ज होगा, अगर इसका मैंने डी क्यू लिख दिया, सपोज करिए मैं यहाँ पे लिख जा रहा हूँ दिस चार्ज इज डी क्यू, तो डी क्यू क्या लिखेंगे, चार्ज डेंसिटी लैम्डा इंटू इसका थिकनेस इट इज आर इंटू डी थीटा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी प्लेस करिए, इट इज क्यू अपन पाई आर साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर डी थीटा। जब यहाँ पे आर डी थीटा लगाएंगे तो ये आर इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बनेगा, क्यू अपान पाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नाउ इंटीग्रेशन, और हमें इंटीग्रेशन यूज करना है नेट निकालने के लिए, इंटीग्रेशन क्यू टोटल मतलब क्यू नॉट निकालने जा रहा हूँ इज इक्वल टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके टू पाई तक वेरी कराएंगे क्योंकि पूरे पे है जीरो से टू पाई। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना इसकी वैल्यू हो जाएगी बेसिकली क्यू के बराबर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का इंटरक्शन होता है थीटा बाई टू माइनस साइन टू थीटा डिवाइड बाई पाई। तो जो आप यहाँ पर लिखेंगे थीटा बाई टू तो टू पाई अपान टू, तो पाई पाई से पाई कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगी क्यू के बराबर। तो क्यू नॉट इज नथिंग बट क्यू। अब इसको उठा के आप यहाँ प्लेस कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो आंसर क्या जाएगा, अब बी सी की वैल्यू उठा के प्लेस कर दीजिए तो कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर बराबर वर्क करना पड़ेगा। एंड दिस इज द मिनिमम वर्क डन टू ब्रॉट अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेंटर। ओके, इसका अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है वो कह रहा है द ग्राफ इज करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर द कॉन्स्टेंट चार्ज। देखिए कैपेसिटर है, इस पे चार्ज क्यू नॉट दिया गया और बीस दूरी क्या है, डी है। तो पूछ रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो पोटेंशियल आप कितना लिखेंगे, क्यू नॉट अपान सी, तो क्यू नॉट और सी कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। तो क्यू नॉट का टर्म कॉन्स्टेंट है, ये पूरा पूरा कॉन्स्टेंट, तो भी इस ग्राफ की प्रोपोर्शनल टू टी। तो जो भी ग्राफ बनना चाहिए भी वर्सेस डी का वो कैसा बनना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, तो दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस तरीके से एक इंक्लाइन है और यहाँ पे एक पार्टिकल्स है जिसका मास दिया गया m के बराबर और यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है जिसका भी मास m है। इसके इसकी जो हाइट दी गई है दिस हाइट h इज h और क्वेश्चन दिया गया है कि h की वैल्यू 7 मीटर के बराबर है। ये h के बराबर है, कह कि ये पार्टिकल ऐसे आता है और फिर इस पार्टिकल से इलास्टिकली टकराता है। तो टक्कर के बाद पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक की वेलोसिटी टक्कर के बाद कितनी होगी कैलकुलेट करिए अगर इलास्टिक कोलिजन है। तो देखिए जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा यहाँ पे
तो इसकी जो स्पीड आएगी सेंटर की स्पीड, अगर वो वी नॉट है तो एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आते समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज की, एम जी इंटू एच। और जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज की वही इसकी कैंडिल से हुई। और कैंडिल से आप इसके क्या लिखेंगे, हाफ एम इंटू वी सी एम का स्क्वायर एंड प्लस हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। और आई सी एम क्या होगा, आई सी एम होगा इसका 2/5 एम आर स्क्वायर हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा का स्क्वायर। चूंकि प्योर रोलिंग कंडीशन है तो आप वी नॉट कह सकते हैं आर ओमेगा, तो बन गया आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। कि पूरे टर्म को जब सॉल्व करेंगे ना तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई यहाँ करिए 5 यहाँ पे, बन गया 7/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब देखिए एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, ये 10 का टर्म आएगा ना, इसी वजह से 10 GH एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर का अंडर रूट ओमेगा बन गया। तो कोई पूछे कि बताइए सेंटर की वेलोसिटी वी नॉट कितनी हो गई, तो सेंटर की वेलोसिटी क्या होगी, आर इंटू ओमेगा। तो इस आर की वैल्यू को अगर आप बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आर ओमेगा। तो आर ओमेगा इज नथिंग बट √10 GH। अच्छा यहाँ पे 7 का भी टर्म आएगा ना, जब यहाँ पे भेजेंगे तो 10 इधर तो 7 नीचे आएगा, 7 दिया जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 GH/7। इसका मतलब ये पार्टिकल जब इसे टकराने जाएगा तो इसके सेंटर की वेलोसिटी इसके बराबर होगी। तो जब आप इसकी एबीडी बनाएंगे टक्कर के टाइम पे एबीडी, तो ये इस पे फोर्स ऐसे लगाएगा इम्पल्सिव फोर्स, ये ऐसे लगाएगा इम्पल्सिव फोर्स। तो चूंकि ये इम्पल्सिव फोर्स इसके ऊपर सेंटर से पास कर रहा है तो इसका ओमेगा क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा क्योंकि टॉर्क जीरो आ गया। और इसके पास ओमेगा आएगा नहीं क्योंकि टॉर्क जीरो है इम्पल्सिव फोर्स का। और चूंकि मासेस सेम है तो ट्रांसलेशन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। तो टक्कर के बाद इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी, इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी वो आप कितना बताएंगे, वी इज इक्वल टू वी नॉट, क्योंकि मासेस सेम है और इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी एक्सचेंज करेगी। तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, अब वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 10 GH/7। तो टक्कर के बाद बेसिकली क्या हुआ होगा कि इसके पास वेलोसिटी भी आ जाएगी और इसके पास जो ओमेगा है वो सिर्फ ओमेगा बचा रहेगा। तो ये कंडीशन होगा टक्कर के तुरंत बाद। अब इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे, दिया गया 10 G = 10 और क्वेश्चन में एच दिया गया 5 के बराबर 7 के बराबर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 m/s इज आंसर। अच्छा अब हम लोग इसका एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल at t = -2 s इज -15 m/s। वेलोसिटी की वैल्यू है, अगर एक पार्टिकल का जो मास है 2/3 kg है, द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज गिवन बाय, अगर फोर्स की वैल्यू k - β(t²) है, जहाँ k की जो वैल्यू है वो 8 के बराबर है और बीटा की वैल्यू 2 के बराबर है इंटू टी स्क्वायर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ब्लॉक की वेलोसिटी बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालिए। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, इसी को मास से डिवाइड करेंगे, तो 8 - 2t² डिवाइड बाई 2/3, तो 3 का टर्म ऊपर आ गया। चूँकि एक्सेलरेशन क्या करना है, जीरो, तो एक्सेलरेशन जब जीरो करेंगे तो आप आएंगे कि जो टाइम की वैल्यू आएगी 8 - 2t² = 0, तो t² = 4, तो t = 2, तो टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई। अब देखिए, अब इसका मतलब है कि हमें ये बताना है कि टाइम t = 2 सेकेंड पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक जगह पर लिख लेंगे dB/dt। आप इसको लिखेंगे dB = 3/2 8 - 2t² dt। नाउ इंटीग्रेशन, टाइम t = -2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, -15 m/s है, और टाइम t = 2 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछी है। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो आप पाएंगे कि भी की जो वैल्यू आती है 17 m/s। ओके, तो कुछ क्वेश्चन हमें पता थे तो मैंने आपको बता दिया, और कुछ क्वेश्चन अगर आपको भी याद हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे ही मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।